हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार टॉपिक, ठीक है। जैसे कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं ये चलाना, वो चलाना, काम चलाना, पैसा चलाना, कभी गाड़ी चलाना, गाना चलाना, वीडियो चलाना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और पूरा सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर में क्या है। सबसे पहले नंबर में बिजनेस चलाना, ठीक है। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, वेरी सिंपल, आपको घबराने वाले बिल्कुल बात नहीं है। इसमें आपको सिर्फ रन का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना लेना, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे मैं एक दुकान चलाता हूँ, क्या बोलेंगे उसको, आई एम रनिंग अ शॉप, ठीक है। वो एक होटल चलाता है, क्या बोलेंगे, ही इज रनिंग अ होटल, ठीक है। वो एक स्कूल चलाता है, ही इज रनिंग अ स्कूल, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ भी सेंटेंस बना लेना, ठीक है, चाहे जो भी हो। बिजनेस के लिए आपको यूज कर देना है, रन का यूज करके आपको बहुत सारे सेंटेंस बना लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, गाना चलाना। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना है प्ले, ठीक है। प्ले का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे वो पुराने गाना बजा रहा है, ठीक है, ही इज प्लेइंग ओल्ड सॉन्ग। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि मेरे फेवरेट गाना बजा दो, प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो आई होप क्योंकि समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बिजली का सामान, कुछ भी अगर बिजली का सामान अगर चलाना है उसके लिए आपको क्या यूज करना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आपको यूज कर देना है, चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक चीज कुछ भी हो, चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे टीवी हो, कुछ भी हो, इसके लिए आपको यूज कर देना है स्विच ऑन या टर्न ऑन का यूज करके आप लोग को बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे पंखा ऑन कर दो, स्विच ऑन द फैन, इस तरह से। जैसे कूलर चालू कर दो, स्विच ऑन द कूलर, इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन टीवी ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द टीवी, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है, चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक चीज के लिए सबको टर्न ऑन या स्विच ऑन का सेंटेंस बना के आपको बहुत सारा बना लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है बाइक चलाना। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए वेरी सिंपल है, इसके लिए यूज करना आपको राइड का यूज करना, ठीक है। जैसे कि आई एम राइडिंग द बाइक, कुछ भी मतलब राइड, मतलब जो भी जो दो पहिया वाला जो टू व्हीलर रहेगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइड, ठीक है। आप नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या है, ड्राइव। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि अगर कोई भी टू व्हीलर रहेगा, मतलब जो दो चक्का वाला रहेगा, उसमें हम लोग राइड का यूज करेंगे। अगर कोई भी मतलब ये चार चक्का वाला रहेगा, चार से ऊपर जितना भी चक्का रहेगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ड्राइव का यूज करेंगे। जैसे कि गाड़ी चलाने का आई एम ड्राइविंग द कार, इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है घर चलाना। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, इसके लिए भी बहुत ईजी है। इसके लिए आपको सिर्फ यूज करना है कीप, कीप का यूज करके बहुत सारा सेंटेंस बना लेना, ठीक है। जैसे कि मेरी मम्मी घर चलाती है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, माई मदर कीप्स द हाउस, क्या बोले, माई मदर कीप्स द हाउस। उसी तरह मैं घर चलाता हूँ, क्या बोलेंगे, आई एम कीपिंग द हाउस, आई एम कीपिंग द हाउस। अगर हम बोलेंगे आपको घर चलाना है, यू विल कीप द हाउस, क्या बोलेंगे, यू विल कीप द हाउस। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है, सिर्फ ये घर बना, ये घर चलाने के लिए ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट वाला है खर्चा चलाना। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए वेरी सिंपल है, इसके लिए यूज करना है बियर द एक्सपेंसेस, क्या बोले, बियर द एक्सपेंसेस। जैसे कि मुझे बोलना है मैं खर्चा चला रहा हूँ, आई एम बियरिंग द एक्सपेंसेस, ठीक है, तुम खर्चा चलाओगे, इसके लिए क्या बोलेंगे, यू विल बियर द एक्सपेंसेस। इस तरह से आपको बहुत भी जो भी आपका खर्चा उठाता है, जो भी आपका घर का खर्चा उठाता है, इसके लिए यूज कर देना है बियर द एक्सपेंसेस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है, दिमाग चलाना। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, इसके लिए भी यूज करना है यूज द ब्रेन या फिर यूज द माइंड का यूज करके आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेना, ठीक है। जैसे क्या बोलेंगे, आपको दिमाग का यूज करना चाहिए, तो यू शुड यूज योर ब्रेन, क्या बोलेंगे, यू शुड यूज योर ब्रेन। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है, नोट चलाना। कभी कभी पैसा फटा होता है ना, तो चलता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, रन द नोट या फिर रन द करेंसी का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये नोट चला लूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल रन द नोट, क्या बोला, आई विल रन द नोट या फिर आई विल रन द करेंसी। आपको बहुत सारा ऐसे सेंटेंस बना लेना है प्रैक्टिस करने के। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या है, हाल चलाना। जैसे कि अभी बारिश का मौसम, इसमें हाल चलाते हैं, ठीक है, तो उसको हाल चलाने के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है। हाल चलाने के लिए आपको यूज करना है प्लग का यूज करना, ठीक है। जैसे कि बोलेंगे ही इज प्लगिंग द फील्ड, वो खेत में हाल चला रहा है। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है, मोबाइल चलाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है, इसके लिए यूज कर देना, आपको यूज का यूज कर देना। जैसे कि हम बोलेंगे मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज द मोबाइल, ठीक है, वो मोबाइल चला रहा है, ही इज यूजिंग फोन, ठीक है। डोंट, मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज द फोन। इस तरह से मोबाइल कुछ भी चलाना होगा तो उसके लिए आपको यूज कर देना है यूज का, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।